दिल्ली सरकार ने मुफ्त राशन की अवधि को मई महीने तक बढ़ा दिया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने सोमवार को कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कोविड महामारी के दौरान दिल्ली की जनता की हर परेशानी का ध्यान रखा है। कोरोना के मामले कम होने के बाद भी सरकार कोविड के कारण होने वाली आर्थिक कठिनाइयों को कम करने के लिए लाभार्थियों को मुफ्त राशन अभी देती रहेगी। इमरान हुसैन ने कहा कि कोरोना के कारण लोगों के बदतर आर्थिक हालातों को देखकर दिल्ली के राशन लाभार्थियों को मार्च अप्रैल 2020 से ही मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, दिल्ली में राशन कार्ड वाले लाभार्थियों के साथ बिना राशन कार्ड वाले लोगों को भी मुफ्त राशन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राशन की दुकानों पर प्रभावी प्रावधान के लिए दिल्ली सरकार द्वारा सुरक्षा मानदंडों को सुनिश्चित करने और लाभार्थियों को मुफ्त राशन का सुचारू वितरण सुनिश्चित करने के लिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को भी तैनात किया गया है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।